सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मंगलवार का दिन है, आज का सीधा सौदा अब आपके सामने प्रेजेंट करने का समय। यतिन और मैं पिछले हफ्ते की तरह कुछ कोशिश करेंगे बढ़िया स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट करें, वो स्टॉक्स रोज सुबह इस हफ्ते जो आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ऐड करने चाहिए, किसी ना किसी बढ़िया वजह के चलते वो स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बढ़िया से डिसाइड कर लीजिएगा उनमें से किसी में ट्रेड के मौके हों तो। खैर यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मूड मॉल दिखाता हूं पहले आपको, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की तरफ पढ़ेंगे। लाइए पिच, स्टेडियम, ग्राउंड, क्राउड सब दिखाइए। जी हाँ, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब हम लौट के आए मजबूती के साथ कामकाज होगा। आधे परसेंट से ज्यादा का उछाल, 125 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज करने का मूड। और ये रही आपके सामने हमारी बढ़िया सी पिच, और पिच दिख रही है सख्त। ये पिच ध्यान रखिएगा, एक दिन कवर में थी क्योंकि हम छुट्टी बना रहे थे, तो हम यूएस में फ्राइडे को जो हुआ और प्लस मंडे को जो हुआ, ऐसी एशिया में मंडे को जो हुआ और आज सुबह जो हो रहा है वो सब डाइजेस्ट करना है हमको, तो हमें आज कब तस्वीर देखेंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी। पर ऐसा एक्चुअली कुछ हुआ नहीं, यूएस में फ्राइडे को तो मिला जुला कामकाज था, बिल्कुल मिला जुला फ्लैट लाइन के आसपास। मूड माहौल सुधर गया, इस पिच में सख्ती लेकर आया कल का ट्रेडिंग सेशन, जब यूएस में आधे से 1% की मजबूती के साथ इस नए हफ्ते की शुरुआत हुई है। तो बढ़िया, वो यूएस के मार्केट दिखाइए प्लीज, कल का दिखाइए। चलिए, आधे से 1% मजबूत, और हमने जहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे फ्राइडे को 3:30 बजे, उससे कहीं अच्छी तेजी के साथ, मजबूती के साथ आज सुबह तीनों बेंचमार्क्स फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए, तो डिफरेंशियल बढ़िया पैदा हुआ। और आज सुबह क्योंकि यूएस से हैंडओवर बढ़िया था, कल ओवरनाइट पूरा एशिया भी बढ़िया है, तो आज सुबह के क्यूज भी वैसे बुरे नहीं, और इसीलिए आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। 10 रीजन दे दीजिए, पर यूएस में बेसिकली चल यही रहा है कि ट्रेंड इज माई फ्रेंड, और जब तक फ्रेंड है, जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक फ्रेंड है, और तब तक लास्ट करेगा तब तक ऐसी मजबूती होगी डे ऑन डे। इसलिए आप देख रहे हैं इन्वेस्टर तेजी के मूड में बने हुए हैं यूएस में, ट्रेंड अच्छा पकड़ा हुआ है। वैसे हमारा भी बुरा नहीं है, बड़े इवेंट्स निकले हमारे सामने से पिछले हफ्ते के, उसके बाद से आपने देखा है वोलेटिलिटी ठंडी पड़ी है और हम एक बैंड में कंसोलिडेट कर रहे हैं। लकीली एक पॉजिटिव बायसनेस के साथ कंसोलिडेशन चल रहा है। फ्राइडे को भी रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए, रिकॉर्ड हाई क्लोज डिलीवर करा, और उसके ऊपर आज फ्रेश तेजी की तैयारी। यतिन, मूड तो बढ़िया है, कैसा रहा वीकेंड आपका? बहुत बढ़िया रहा। मैं कच्छ के रेगिस्तान में गया था अपने होम टाउन में, तो आज ही सुबह ट्रेन से आया हूँ वापस। सुबह 5 बजे टर्मिनल था, और आपने टीम बनाई वहाँ बैठ के? हाँ, वहाँ टीम बनाते रहे हम, और बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है उधर, तो टीम बन भी जाती है। अच्छा, कच्छ का वो रन ऑफ का व्हाइट डेजर्ट वगैरह वो आपके गांव के आसपास ही है क्या? हाँ, तो मैं एक्चुअली मैं रहता हूँ सोबो कच्छ में, मतलब साउथ साइड के तरफ मांडवी तालुके में, और ये जो आप बोल रहे हैं सफेद रण वो नॉर्थ साइड पे पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, तो मैं साउथ साइड में रहता हूँ, वो रण जो है वो नॉर्थ साइड में 50-60 किलोमीटर पे। तो मेरे यहाँ शाम को निकल गए थे, आज वापसी सुबह? हाँ, सुबह वापसी। पूरी फैमिली? नहीं, मैं ही गया था अकेला, मैं जाता हूँ बहुत टाइम। तो फसल का पैसा वैसा चूलना था वैसे ही समझ लीजिए चलिए आज के मंगलवार के कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के साथ आज के सीधा सौदा की कड़ी की शुरुआत करी जाए। अच्छा, पहले डिराइव टाइप है, डायरेक्टली खबरों वाले नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हो रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। असल में बहुत खबरें थी, फिर ये सब सोचा, ये फिर खबरों वाले कुछ रिड्यूस करके मैंने इनको ले लिया। मिसाल के तौर पे पहला रखिए जरा यात्रा ऑनलाइन, जो IPO आज लिस्ट होने आ रहा है ली ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी का, जो कि पेरेंट कंपनी है इक्सिको नाम के वेबसाइट, जो आप लोग कभी जाके ट्रैवल टूर बुकिंग वगैरह करते हैं उसकी, तो वो लिस्टिंग के लिए आ रहा है। उसके कुछ मार्केट में लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उनमें से एक है यात्रा ऑनलाइन। इक्सिको की लिस्टिंग सॉलिड होनी चाहिए, लॉजिक ये कहता है, 2-3 रीजंस हैं उसके पीछे। एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स इस IPO को मिला, 98 टाइम्स ये IPO भरा था, और सारे ब्रैकेट में, चाहे QIB हो, HNI हो, हाथों हाथ सब्सक्रिप्शन था, तो ये डिमांड आज शायद लिस्टिंग के बाद दिखे आपको
स्क्रीन्स पे प्ले आउट होती हुई। दूसरा, ग्लोबली मूड माहौल बढ़िया है, खास तौर पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज के लिए। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते नैसडैक भी 3% वीक ऑन वीक के गेन दिखा रहा था। नैसडैक और S&P रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे थे, डाउ ठंडा पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स इधर है, न्यू टेक्नोलॉजी स्टॉक्स फोकस पे थे। और मेरा मानना है कि अच्छी लिस्टिंग, अच्छा डेब्यू जब होगा तो उसके पीयर सेट्स कुछ बेहतर करें शायद साथ साथ। तो इसीलिए सिर्फ मैं यात्रा ऑनलाइन को ग्रीन कर रहा हूँ। यात्रा ऑनलाइन वैसे लिस्टिंग के बाद से डिसअपॉइंटमेंट हो गया है। साल भर का चार्ट उठा के दिखाइएगा तो उसमें पूरा लिस्टिंग हिस्ट्री कैप्चर हो जाएगी। ऊपर से अच्छा खासा ठंडा पड़ा हुआ ये स्टॉक है, साल का चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। ये स्टोरीज वोरी सब फिजल आउट हुई हैं। अब देखते हैं आज वो लिस्टिंग कैसी होती है इक्सिगो की और उसके बाद कैसा मूड बनता है, ये यात्रा की कहानी। ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है, जस्ट एक रब ऑफ के तौर पर इसको ग्रीन ले जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। दूसरा, ऐसे ही डिराइव्ड है। कल अपडेट्स आ रहे थे, एक गुड्स ट्रेन कोलाइड हो गई थी कंचनजंगा एक्सप्रेस से पश्चिम बंगाल में। तो उसके बाद मैं ऐसे ही उस न्यूज में ही था तो मैंने रियलाइज किया कि अब बजट सर पे खड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से पिछली बार भी मोदी 2.0 में अगर रेलवे से रिलेटेड कोई कंसर्न था तो ये एक्सीडेंट्स फिर से धूल पकड़ेगा। वो अब हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है कौन कौन से क्या क्या, और ये 3.0 आते से ही फिर से वो एक्सीडेंट का अपडेट। तो मुझे लगा अब ऐसा अजम्पशन है कि रेल सेफ्टी की फोकस होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए इस बजट। और रेल सेफ्टी मतलब वो हमारा जो इन हाउस बिल्ट कवच है, कवच रेल सिस्टम, एंटी ट्रेन कॉलिजन डिवाइसेस जो है, वो कवच सिस्टम्स के इंप्लीमेंटेशन को तूल देने की शायद तैयारी होनी चाहिए। तो तीन कंपनीज थी, अब तो थोड़ी और हो गई जिनको अब ऑर्डर मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन अब तक तीन कंपनीज थी जो कवच लेआउट कर रही थी, एक अनलिस्टेड, दो लिस्टेड। वो दोनों लिस्टेड को मेंशन करता हूं, दोनों ऑफ हाई स्ट्रेट कर रहे हैं, पिटे हुए हैं, देखते हैं। और ऐसे स्टॉक्स आमतौर पर वीक कहलाए जाते हैं, तो जब बाजार रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर, कोई कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम दिखाइए स्क्रीन पे, उसका चार्ट उठाइएगा कैसे वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है, साल का चार्ट उठाइएगा तो वीक है भाई साहब। ये देखिए अब नॉट नेसेसरली मूव करे, करने लॉस मेकिंग एंटिटी है। और बीच में हम लोगों ने कई बार चर्चा करी थी वो चेन्नई के रेल यार्ड से ऑर्डर्स मिलना छोटे छोटे टिकट साइज के, इसी कवच के लिए मिल रहे थे। अच्छा, पहला ये है, मुझे लगता है कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम का एडॉप्शन शायद तूल पकड़े इन सब एक्सीडेंट्स के बीच में। दूसरा ऐसे ही है HBL पावर सिस्टम्स। भाई साहब कल रियलाइज किया देखते देखते ये स्टॉक 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड करता है, और ये ठंडा पड़ा हुआ है तो मतलब ये 14,000-15,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका था एक समय में। साल का चार्ट कब उठाइएगा? ये फर्स्ट एवर ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो TSACS था रेलवे के लिए, इसी ने बनाया था। बीच में अपडेट था, इसकी एनुअल रिपोर्ट कल खोल के बैठ गया था मैं, मुझे नहीं पता आज हरकत में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऐसी पढ़ने की कोशिश कर रहा था कवच के लिए क्या क्या अपडेट्स हैं। दिल्ली हावड़ा दिल्ली मुंबई रूट्स के लिए कवच लेआउट करने के कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट के इसी को मिले थे। ये देखिए स्टॉक क्या हुआ है, बहुत मल्टीबैगर बन गया है, ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे नहीं पता अब थोड़ा सा वैल्यूएशन तो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसीलिए शायद टाइम प्राइस वाइज करेक्ट नहीं हुआ, टाइम वाइज करेक्ट कर रहा है। बजट से पहले हरकत में आएगा नहीं आएगा पता नहीं। तो इन दोनों को रख रहे हैं ग्रीन में, मैंने इसीलिए कहा तीनों को, बल्कि ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली खबरों में नहीं है, लग रहा है कि एक्स की वजह से वाई फैक्टर एट प्ले हो सकता है, इसीलिए ग्रीन करा है। तीन हो गए हरे हरे, तीन हरे हरे हो गए। और बढ़िया से देखते हैं किस हिसाब से ये रेल सेफ्टी थीम भी चलती है आज मार्केट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन मेरी टीम की शुरुआत करता हूँ डाबर से, और इसको रख रहे हैं रेड में। रेड में इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है राजस्थान सरकार की, इसने बहुत सारे बैचेज MDH मसाले और एवरेस्ट मसालों के रिकॉल किए हैं और उनको अनसेफ पाया है। ऑफिशियल औपचारिक स्टेटमेंट आया है राजस्थान गवर्नमेंट का। और अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो रिसेंटली अगर हम देखें तो ये दो मसाले की ब्रांड जो हैं वो काफ़ी फोकस में रही हैं, एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी दिक्कतें आई हैं। बादशाह मसाले आशीष डाबर ने रिसेंटली एक्वायर किया था, तो वहाँ भी देखते हैं कैसे मूव होता है, क्योंकि बहुत सारे क्रैकडाउन हो रहे हैं अब मसालों पर। तो आप कौन सा मसाला यूज़ करते हैं? MDH नहीं, तो ये स्टॉक जो है वो रेड में लेके चल रहा हूँ।
सेंटिमेंटली शायद इस पर इम्पैक्ट आए। ये एमडी जो एवरेस्ट तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की, हाँ अलग अलग हैं, और डाबर जो है वो बादशाह मसाले इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किए हैं, मतलब नाम सब जगह देखो उछल रहा है। ये भी डिराइव्ड हो गया, ये भी डिराइव्ड है कि शायद ये प्रेशर में रहे। भारतीय एयरटेल, ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। देखिए ऐसे भी अटकलें हैं कि बहुत जल्द जैसे ही बजट हो जाएगा या प्रॉब्ली एक क्वार्टर निकल जाएगा तो टैरिफ हाइक होने की पूरी पूरी आशंका है। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज को इसका फ़ायदा होगा, लेकिन भारतीय की बात करें तो इन्होंने लगभग 7,900 करोड़ रुपये हाई कॉस्ट डिफर्ड लाइबिलिटीज़ फॉर स्पेक्ट्रम जो है वो प्रीपे कर दिया है। 2012 और 2015 में जो इन्होंने स्पेक्ट्रम लिया था, हाई कॉस्ट लिया था, और उसको इन्होंने प्रीपे कर दिया है, तो ये अच्छी बात है। 8,000 करोड़ रुपए कंपनी ने बचा लिए, तो काफ़ी सारे इसके रिलेटेड कॉस्ट भी बचते हुए नजर आएंगे, तो इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। अच्छा ONGC, अच्छा चीज़ें होती नहीं होगी नहीं, और एक लास्ट बात, सॉरी और विप्रो की बात करें तो इन्होंने एक पार्टनरशिप एक्सटेंड की है हैंड्स ब्रांड के साथ, एक अपैरल ब्रांड है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ करेंगे ये, तो यहाँ भी मतलब बहुत सारे अभी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स विप्रो के पास आ रहे हैं। और जैसे आशीष भी शुरुआती कमेंट्स में बता रहे थे कि आईटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं यूएस मार्केट्स में, तो शायद आज थोड़ा बहुत इंडियन आईटी स्टॉक्स भी फोकस पर रहेंगे। हाँ, TCS पहले लाल लेके रखे थे हमें, फिर मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा आईटी फोकस में, छोड़ देते हैं लाल वाले आज, बिल्कुल नीचे हैं कुछ लाल वाले लेकिन नॉट आईटी से। ONGC को रखता हूँ ग्रीन में, दो रीजंस। एक तो विंडफॉल टैक्स का जो फोर्टनाइटली यानी कि हर 15 दिन में समीक्षा होती है वो अपडेट आया, 15 तारीख से इफेक्टिव हुआ इस वीकेंड से, एक्सटेंडेड वीकेंड से, विंडफॉल टैक्स 37.5% रिड्यूस कर दिया गया है, अच्छी खबर थी। प्लस हुआ क्या, ये आमतौर मैंने देखा है जैसे विंडफॉल टैक्स में तगड़ा रिडक्शन होता है अगले दिन ब्रेंट चढ़ जाता है, तो अगली समीक्षा में बढ़ जाएगा, कहानी अलग है, लेकिन ये घटना प्लस ब्रेंट $2 उछल जाना, दोनों पॉजिटिव है ONGC के लिए। फिर उसके बाद पारस डिफेंस, फ्राइडे को हरकत में था, अचानक हरकत में आया, उसके पीछे रीजन समझ में आया, लार्ज ट्रेड हुआ, बड़े सौदे हुए, उसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,60,000 शेयर्स इस कंपनी के खरीद लिए। और फिर एक अदानी एंटरप्राइजेस का अपडेट आया है, ये ग्रुप में वापस न्यू फाउंड जोश लौटा है, इनॉगरिंग इनिशिएटिव्स तगड़े चल रहे हैं, चाहे वो अदानी पोर्ट रिलेटेड अभी अभी खबरें आई या फिर वो अंबुजा सीमेंट रिलेटेड खबरें आई, अब अपडेट आया अदानी एंटरप्राइजेज में प्रमोटर्स ने 2% से ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ा दी है खुले बाजार से खरीद खरीद के, तो प्रमोटर्स का अब स्टेक बढ़ के ऑलमोस्ट 73.95% पे पहुंच गया, अच्छी खबर थी, ग्रीन कर दिया, अच्छे हो गए बहुत बढ़िया। और ये अदानी एंटरप्राइज तो मुझे लगता है इन्होंने हिंडनबर्ग मामला जब हुआ था इन्होंने अपने शेयर्स GQG को बेचे थे, तो मुझे लगता है जितने बेचे थे उतने खरीद लिया वापस धीरे धीरे, बढ़िया। चलिए ऑयल इंडिया तो आशीष ने ले ही लिया, खैर अपने ONGC है मेरे पास, ONGC है तो मैं ऑयल इंडिया लेता हूँ, बिल्कुल लेना वही तरफ, क्योंकि जो 3200 रुपये विंडफॉल टैक्स कम हुआ है 3250 पर टन, वहाँ से जो पहले 5200 रुपये था, तो कहीं ना कहीं ऑयल इंडिया को भी फायदा होगा इसका, तो इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़, ये भी स्टॉक रिडार पर रखिए, इन्होंने इंडस्ट्रिया केमिका के साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट किया है, UV टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ये ICA से, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, और अगर हम पिडिलाइट की बात करें तो जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में इनकी पकड़ है, शायद यहाँ भी आपको एक बेनिफिट सेक्टर का टेलमेंट मिलता नजर आए, तो इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और छठा जो स्टॉक है मेरे लिस्ट में वो गोदावरी पावर और इस्पात, इन्होंने बायबैक अनाउंस किया है, पिछले हफ्ते बोर्ड मीटिंग थी, अब बायबैक फाइनलाइज हो गया है, करीब ये लोग 21 लाख शेयर्स बायबैक करेंगे 1400 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, और टोटल जो बायबैक अमाउंट है वो 300 करोड़ रुपए का है, तो इसको भी रेडार पे रखे चलते हैं, करंट मार्केट प्राइस से लगभग 25-30% प्रीमियम पे ये बायबैक हो रहा है, तो आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। 6 हो गए आशीष, यस लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, 45-43 पे ब्रेक लेना था, ले लें ब्रेक, और आपको और अंदर की बातें बताते जा रहे हैं, चार चार स्टॉक्स फिर से एक बार देंगे। तो सीधा सौदा में आप सभीयों का फिर से एक बार स्वागत है, और जो 6-6 स्टॉक्स मैंने और आशीष ने डिस्कस किए हैं उसके बाद के जो बचे 4 स्टॉक्स हैं उस पर नज़र कर लेते हैं। 7वां स्टॉक मेरी लिस्ट पे है जुबिलेंट फार्मोवा, और इन्होंने नई रेडियोलॉजी लैब्स जो है खोलने का फैसला लिया है, रेडियो फार्मेसी बिजनेस जो है काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, और यहाँ 6 नए सेंटर्स ये लोग खोलने वाले हैं अक्रॉस US,
और इसी के साथ पूरा नेटवर्क जो है 52 रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स का हो जाएगा। ऑब्वियसली ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है कंपनी के लिए और अच्छा भी कर रहे हैं, क्वार्टरली नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये अनाउंसमेंट जो है, इन्होंने जो काउंट बढ़ाने का बात किया रेडियो फार्मेसी का, उसके बाद स्टॉक शायद फोकस में और बढ़ता हुआ नज़र आए। राइट्स, ये भी जो एक रेलवे की कंपनी है, ये भी फोकस में रहेगी क्योंकि राइट्स और डीवीसी ने रेल इंफ्रा के लिए एक जॉइंट वेंचर किया है जहाँ ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए, एक रिकरिंग बिजनेस है ONM, तो यहाँ किसी भी प्रकार का JV जो है वो शायद मार्केट अप्रिशिएट करे। पूरे रेलवे पैक में एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, लेकिन शायद अब कैचअप करने की जगह है। और बाय द वे आशीष, वो जो मोदी जी गए थे G7 की मीट में, वहाँ इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो यूरोप के साथ करना है उसके ऊपर भी चर्चा हुई, उसके ऊपर भी जॉइंट स्टेटमेंट आया। राइट्स ऑलरेडी UAE में वहाँ की सरकार के साथ काम कर रही है इस प्रोजेक्ट पे, तो मुझे लगता है ऐसे भी ये स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। तो ये हुआ आठवां स्टॉक। नौवां स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो इनको बढ़िया ऑर्डर मिलता हुआ नज़र पड़ा है। इनको 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री से, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज पे इन्होंने ये डिस्क्लोजर किया और सोल बनाने वाली कंपनी है तो इसी को ऑर्डर मिलना है, तो ये प्रपोजल हो तो भी मिल जाएगा इनको। 50,000 करोड़ का होगा ये, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आकलन कर रही है कितना साइज होने वाला वापस। मुझे लगता है इसका नाम प्रचंड है, ये हेलीकॉप्टर का ऐसा ही कुछ नाम है, बढ़िया वाला नाम है, लेकिन हाँ ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, यू आर राइट, 156 LCH प्रचंड, हाँ प्रचंड नाम है, और ये तेजस एयरक्राफ्ट बनाते हैं, तो दोनों ही तरफ इनको बढ़िया से, एक हाथ में लड्डू है और दूसरे हाथ में बर्फी वैसा मामला हो गया HL का, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं इनको। और आखिर में बस डायबिटीज नाउ ये तो खा नहीं पाएंगे। आखिर वाला स्टॉक है M&M, और देखिए इनकी इन्वेस्टर मीट थी फ्राइडे को। इन्वेस्टर डे में 3 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्होंने शोकेस की, बहुत सारे वैल्यू अनलॉकिंग हुए यहाँ, फार्म इक्विपमेंट ऑटो सभी जगह पे कंपनी ने बढ़िया कमेंट्री दी। जेफरीज ने यहाँ बायकॉल रखी है, टारगेट बढ़ा के 3,510 रुपये कर दिया है, तो मोस्ट ब्रोकरेजेस ने ये एनालिस्ट मीट इन्वेस्टर मीट के बाद टारगेट बढ़ाए हैं। पिछले 2-3 दिन से ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है एंटिसिपेशन में कि इन्वेस्टर डे बढ़िया होगा, तो 10वां स्टॉक ये है M&M जो ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ओके, अगले स्टॉक्स में एक मिनट मैं लिस्ट खोल लूँ, रडार पर रखिए। एक तो भाई पराग मिल्क फूड्स, हालांकि ये डेयरी कंपनी ज़्यादा स्टॉक मार्केट कमा के देती नहीं है आप तो, पर खबर अच्छी है। असल में क्या है, जब लीडर पास ऑन कर देता है तो सबको मौके मिलते हैं। अमूल ने, आपको याद होगा हाल ही में खबर आई थी, पिछले हफ्ते की खबर थी, 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए, तो पराग ने भी वो ईज ऑफ कर लिया अपना प्रेशर, ग्रीन करा है स्टॉक को। इंटरग्लोब एविएशन, अब देखते हैं स्टॉक बहुत कुछ डिस्काउंट कर रहा है, स्टॉक ऑलरेडी बहुत तेजी में है, पर फिर भी 2 अच्छी खबरें इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। एक तो आपको याद होगा प्रैट एंड व्हिटनी के जो एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर है, उसके इंजन लगाने के बाद कुछ इश्यूज आए थे, कई सारे एयरक्राफ्ट ग्राउंड करने पड़े थे। अब इनके पास अपडेट आया है कि कस्टमाइज्ड कंपनसेशन मिलेगा प्रैट एंड व्हिटनी के एफिलिएट फर्म इंटरनेशनल एरो इंजन से इनके ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट के लिए, तो कंपनसेशन आना एक तो, और दूसरा इस बीच मे का एविएशन डेटा आया, मंथ ऑन मंथ इंटरग्लोब का शेयर और 1% बढ़ गया। भाई साहब ये कंपनी ने क्या गजब पकड़ खरीद बड़े बाजार की, 60.6% मार्केट शेयर बढ़ के 61.6% पहुंच गया। दोनों खबरें अच्छी थी, ग्रीन कर दिया। उसके बाद 2 लाल के साथ टीम को खत्म कर रहा हूं, दोनों फार्मास्यूटिकल स्पेस से, एक जाइडस लाइफ साइंसेस, USFDA का इंस्पेक्शन हुआ था इनका, इनके SEZ यूनिट जो मटोडा में है, और वहां पे ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड आया, यानी कि ऑफिशियली गाज गिरी है, USFDA की निगरानी में इनको सारी चीजें ठीक करनी होगी, नहीं तो प्लांट को में रोक लग जाएगी, तो ये थोड़ा सा सरदर्द बढ़ गया। बायोकॉन दूसरा है जिसकी विशाखापट्टनम फैसिलिटी का USFDA ने जांच इंस्पेक्शन कर रहे थे, 3 आपत्तियां उस फैसिलिटी में सामने आई। अब उसका डिटेल्स इन्होंने शेयर नहीं करें किस तरह की हैं, बेसिकली बाजार डरता है थोड़ा सा डेटा इंटेग्रिटी वाले इश्यूज के साथ,
लेकिन दोनों खबरें जाइडस और बायोकॉन दोनों स्टॉक फटे भी हुए, बुरी खबरें वीकेंड पर आई, लाल रखा है इन दोनों ने। इस नोट पर एक काम करा जाए, 10-10 स्टॉक्स हम दोनों ने पूरे कर लिए, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, हम लोग की आज की जो 10-10 की सीधा सौदा की टीम्स हैं उसका एक क्विक रैप अप। कुछ डिराइव्ड खबरें, मतलब नॉट नेसेसरली स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आए नहीं आए पता नहीं। एक एक्सिगो की लिस्टिंग होनी है तो पीयर के तौर पे यात्रा ऑनलाइन को, क्योंकि माना जा रहा है एक्सिगो की अच्छा स्टेलर डेब्यू होगा। कर्नेक्स और HBL पावर इसीलिए क्योंकि ये कवच सिस्टम्स ट्रेन एंटी कोलिजन डिवाइसेस और सिस्टम लगाने के लिए जानी जाती हैं और हादसा हुआ इस वीकेंड पे तो इनको रडार पे रखा। विंडफॉल टैक्स में अच्छी खासी 37-38% की कटौती के चलते ONGC तो बढ़िया, लार्ज ट्रेड के चलते पारस डिफेंस जहां पे अबू धाबी ने इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने माल खरीदा, अदानी इंटरप्राइज प्रमोटर्स ने माल और अतिरिक्त बाजार से खरीद के स्टेक बढ़ा दिया, पराग मिल फूड ने दूध के दाम बढ़ाए, इंटर ग्लोब के लिए दो अच्छी खबरें थी Pratt & Whitney से कंपनसेशन ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट्स के लिए और प्लस मार्केट शेयर गेन्स। Zydus और बायोकॉन पे USFDA की गांच इनके एक एक प्लांट पे गिरी इसीलिए लाल कर दिया। 10 बढ़िया आशीष की टीम। और अब मेरी टीम का रैपअप करते हैं और आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले डाबर और मसालों पे जनरली यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स का क्रैकडाउन चल रहा है, सेंटिमेंटली शायद इसके लिए नेगेटिव हो, इसके लिए इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। भारती एयरटेल और अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने रिसेंट स्पेक्ट्रम ड्यूज को क्लियर कर दिया है, प्रीपे कर दिया है, तो इसको सेंटिमेंटली ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। विप्रो ने एक JV किया है, एक पार्टनरशिप पर की है जिसके कारण स्टॉक फोकस में रह सकता है और ऐसे भी IT स्टॉक्स US मार्केट्स में बेहतरीन तरीके से बंद हुए हैं यस्टरडे। ऑयल इंडिया विंडफॉल टैक्स में भारत सरकार ने कटौती की है, पिडिलाइट इन्होंने एक टेक्नोलॉजी के लिए एक JV किया है, गोदावरी पावर और इस्पात 25-30% प्रीमियम पे बायबैक अनाउंस किया लगभग 300 करोड़ का, जुबिलेंट फार्मोवा नए सेंटर्स ये US में खोलने वाले हैं रेडियो फार्मा बिजनेस के लिए। राइट्स की बात करें तो इनको भी फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा, 2-3 पैक्ट किए हैं और ये जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है इस पर भी G7 का एक जॉइंट स्टेटमेंट आया हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स प्रचंड एयरक्राफ्ट का एक बड़ा ऑर्डर, 40-45 हज़ार करोड़ का ऑर्डर एक्सपेक्टेड है यहाँ। और महिंद्रा एंड महिंद्रा एनालिस्ट मीट के बाद स्टॉक में टारगेट्स बढ़ाते हुए दिखाई पड़े ब्रोकरेजेस, तो ये वो 10 स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे। सीधा सौदा को समेटते हैं और मुनाफे की तैयारी को हम शुरू करते हैं। Yes. और आज हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं वीरेंद्र कुमार, हमारे वीरू जी, और वीरू ने आज पूरा जो कमांड सेंटर है वो संभाला हुआ दिल्ली से। अरे वाह, रिमोट कंट्रोल से वो आज सरकार चलाएंगे। इतने चाशनी में डूबे डूबे शब्दों के बाद वीरू कह रहे हैं मैं शायरी जरूर सुनाऊंगा आज। वीरू कुछ बढ़िया वाले चार लाइना बोल दीजिए यार, वादा हुआ था ना। एक तो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद काम कर रहे हैं, ट्यूजडे को आ गया मंडे ब्लूज जैसा मूड। कुछ शायरी वायरी के क्या चार लगे लिपटे शब्द आ जाए तो जोश बढ़ जाए हम सबका, पगार भी बढ़ जाए, जोश भी बढ़ जाए। शायरी आपसे वादा क्या था ना बीते शुक्रवार को। अच्छा चलिए वो बाद में। वीरो नहीं नहीं वो बात मैं भी चाह रहा था कि हो जाए लगे हाथ, पर ठीक है आपने स्किप कर दी। पर शायरी शुक्रवार को, लेकिन अगर आपने कहा है तो कल से शुरू करूंगा। बट ये रहा कि ये जो बीते 3 दिन थे अच्छे थे, दिल्ली वालों की कहानी वही है बस, तरबूज खरबूज AC पानी पंखा कूलर इसी से कट रही हमारी जिंदगानी, बस यही है। बहुत लपक गर्मी पड़ रही है क्या? तरबूज खरबूज पंखा कूलर AC पानी बस, बहुत तपक। कल तो बुरा हाल था, मतलब आप सोचिए घर से बाहर निकला पर मुश्किल था। खैर अब आज AC में आ गए हैं दोबारा लौट के इस ऑफिस के बड़े से, तो बड़ा कंफर्ट है अब यकीन मानिए। ले इन ऑफिस में मजा आ रहा है। AC कह रहा था जान निकाल दे जनाब, AC कह रहा था घर का AC कह रहा था जान निकाल दे जनाब आपने, मतलब अंदर 16 बाहर 16, बाहर समझ रहे हैं आप, अंदर 16 बाहर 16। द
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।